कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में जंगलात में लगी आग को काबू करने का मिशन 300 के करीब कैनेडियन फौजी अहलकार तैनात करने का फैसला। मुतासरीन की माली मदद के लिए $2 मिलियन अदा कर दिए गए। दौरान ड्यूटी पुलिस वालों को कत्ल में इजाफा होना तश्वीशनाक है। कैनेडियन वजीर आजम की ऑटोवा में पुलिस अहलकारों की हलाकत की मजम्मत। वफाकी हुकूमत मुतासर होने वाले तमाम लोगों के साथ अपनी गहरी ताजियत का इजहार करती है। कैनेडियन फौजियों की जनूबी कोरिया में अक्वामे मुतहदा की कमान में शमूलियत। कैनेडियन फौजी अफसरान का कहना है कि कैनेडा भी कोरिया जंग की लपेट में आ सकता है। कैनेडा जनूबी कोरिया की मदद के वादे पर कायम। अमरीका के डिफॉल्ट होने का खतरा। IMF ने आलमी मईशत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। अमरीका में शरह सूद 16 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। तर्जुमान IMF का कहना है कि डिफॉल्ट की सूरत में आलमी शरह नमू पर असरात मुरतब हो सकते हैं। 7 साल बाद सिफारती ताल्लुकात बहाल। सऊदी अरब ने ईरान में सफीर मुकर्रर कर दिया। ईरान भी जल्द सऊदी अरब में अपने सफीर के नाम का ऐलान करेगा। दोनों मुमालिक के वज़ीर खारजा के दरमियान 3 से ज़ायद बार टेलीफोनिक राब्ता। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा की मुसल्ला अफवाज ने अल्बर्टा में जंगल की आग पर काबू पाने में मदद के लिए तकरीबन 200 फौजियों को तैनात किया है और 100 मजीद फौजी हफ्ते के आखिर में आग पर काबू पाने के लिए जंग में शामिल होंगे। फौजियों को सूबे भर में कम्युनिटीज के तौर पर तैनात किया जा रहा है ताकि खतरे में इजाफे से निपटा जा सके। कुछ दिनों के निस्बतन पुरसकून रहने के बाद इस हफ्ते के आखिर में गर्म खुश्क मौसम की वापसी से हालात मजीद गैर मुस्तहकम होने का खतरा है। सूबे के पब्लिक सेफ्टी एंड एमरजेंसी सर्विसेज ने वाइल्ड फायर अपडेट न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूनिट्स जल्द ही ग्रैंड प्रेरी, फॉक्स क्रैक और ड्रेटन वैली के इलाकों में तैनात होंगे, इसलिए अल्बर्टन्स सड़कों और हवा में नकलो हरकत देखेंगे। मुतासरीन की माली मदद के लिए $2 मिलियन अदा किए गए हैं। सूबे में नकल मकानी करने वालों की तादाद अब 16,470 है, जो इमरजेंसी के उरूज पर तकरीबन 31,000 की बुलंदी से कम है। जुमेरात की सुपहर तक जंगलात के तहफ़ के इलाकों में 82 जंगल की आग जल रही है, जिनमें से 23 काबू से बाहर है। इन इलाकों के बाहर 7 दीगर मुकामात पर आग जल रही है। अल्बर्टा भर से आर्मी रिजर्व सिपाही भी इस हफ्ते तैनात कर रहे हैं। प्रीमियर डैनियल स्मिथ ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि फौजी दस्ते आग बुझाने की कोशिशों में मदद करेंगे, कम्युनिटी के इनखिला में मदद करेंगे और भारी आलात के इस्तेमाल के जरिए इंजीनियरिंग की मदद फराहम करेंगे। रवां साल अल्बर्टा में 421 जंगल की आग ने 4,10,000 हेक्टर रकबे को जला दिया है, जो पूरे सीजन में जलने वाले औसत रकबे से दुगना है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि दौरान ड्यूटी पुलिस वालों को कत्ल किए जाने के वाकयात बहुत ज्यादा हो गए हैं, जिन्हें अब रोकने की जरूरत है। जुमेरात को वफाकी दारुल हुकूमत ऑटोवा के बिल्कुल मशरिक में सुबह सवेरे होने वाली फायरिंग में ऑनटेरियो का एक सूबाई पुलिस अहलकार हलाक और 2 दीगर जख्मी हुए। ट्रूडो ने राइडो गेट से सहाफियों से खिताब करते हुए, जहां वो माल्टोवन से मुलाकात कर रहे थे, कहा इस मुल्क भर में गुज़िश्ता कई महीनों के दौरान अक्सर ऐसा हुआ है कि हमने ड्यूटी के दौरान अपनी कम्युनिटी की खिदमत करने वाले पुलिस अफसरान को खो दिया है। कैनेडियन वजीर आजम का कहना था कि मैं पब्लिक सेफ्टी के वजीर और वजीर इंसाफ के साथ मिलकर ये देखने के लिए काम कर रहा हूँ कि हम उनको महफूज रखने के लिए मजीद क्या कर सकते हैं, लेकिन इसको रोकना होगा।
हमें उन लोगों की हिफाजत के लिए वहां होने की जरूरत है जो अपनी जानें कुर्बान करते हैं। ओपीपी का कहना है कि तीनों अहलकारों को एक घर में गोलियां चलने की इत्तला के बाद बुलाया गया था और तकरीबन 2 बजे जाए वकुआ पर पहुंचने के बाद चंद मिनटों में उन्हें घात लगाकर गोली मार दी गई। ओपीपी कमिश्नर थॉमस कैरिक ने सहाफियों को बताया कि तीनों अफसरान को ओटावा के अस्पताल ले जाया गया। वजीर आजम ने कहा कि वफाकी हुकूमत मुतासिर होने वाले तमाम लोगों के साथ अपनी गहरी ताजियत का इजहार कर रही है। ट्रूडो ने कहा, हमें कम्युनिटी की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की ज़रूरत है जब वो इस वक्त से गुजर रहे हैं और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि उनके साथियों को भी वो मदद मिले जिसकी उन्हें ज़रूरत है। एक फोर्स कमांडर का कहना है कि जैसे जैसे एटमी जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है, जुनूबी कोरिया के लिए कनाडा की फौजी हिमायत बहुत वाज़ेह है। 9 कैनेडियन फौजियों को जुनूबी कोरिया में अक्वामे मुत्तहदा की कमान में तफवीज़ किया गया है। अमरीकी फौज के स्टाफ सार्जेंट जस्टिन विल्सन ने कहा कि हम एक ऐसे माहौल में हैं जहां हालात इंतहाई कशीदा हो सकते हैं, चीज़ें पहले ही कशीदा हैं और वो और भी बढ़ सकती हैं। प्योंगयांग में शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने गुज़िश्ता माह अपने बढ़ते हुए जौहरी मिज़ाइल हथियारों को मज़ीद जारहाना बनाने के लिए इसे वसअत देने का अज़्म किया था और सरकारी मीडिया ने धमकी दी थी कि वो जुनूबी कोरिया में होने वाली जुनूनी फौजी मशकों के जवाब में इसे इस्तेमाल करेगा। कोरिया में मुकीम कैनेडियन फोर्सेस के अफसरान का कहना है कि अगर उसकी बात आती है तो कैनेडा भी उसकी लपेट में आ सकता है, जो इस तनाजे में मुल्क की असल वाबस्तगी का तसलसल है। कर्नल मार्टिन कोरियो ने कहा कि ये बहुत वाजह है, जो यहाँ के आला तरीन कैनेडियन है, अगर कोई ऐसा वाकया पेश आता है जिससे यहाँ के अमन और सलामती में खलल पड़ता है या तबाह होता है तो कनाडा ने मदद के लिए दस्तखत किए हैं। 1950 की दहाई के अवाइल में कनाडा ने जुनूबी कोरिया के खिलाफ शुमाली कोरिया के हमले को पसपा करने के लिए अक्वामे मुत्तहदा की छतरी तले लड़ने वाले अमरीकी क़यादत वाले इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार की। शुमाल को चीन और सोवियत यूनियन की हिमायत हासिल थी। अक्वामे मुत्तहदा की फोर्स में कनाडा का तआवुन सबसे बड़ा था, जिसमें 26,000 फौजी खिदमत अंजाम दे रहे थे। 3 साल की लड़ाई में 516 हलाक हुए। बैन अल-अक्वामी मालियाती फंड ने खबरदार किया है कि अगर अमरीका की मईशत गिरावट का शिकार हुई तो फिर आलमी मईशत पर उसके संगीन नतायज मुरतब होंगे। गुज़िश्ता दिनों फेडरल रिजर्व बैंक ने शरह सूद में 0.25% इजाफा कर दिया था, जिसके बाद अमरीका में शरह सूद 16 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक IMF की तर्जुमान जूली कॉसेक ने कहा है कि मुल्की कर्जों की तेजी से इजाफे के बायस अमरीका के डिफॉल्ट होने के खतरात बढ़ गए हैं, जो आलमी मईशत के लिए बहुत संगीन साबित हो सकते हैं। कोजैक ने कहा कि IMF फौरी तौर पर उन असरात का अंदाजा नहीं लगा सकता जो अमरीकी डिफॉल्ट की सूरत में आलमी शरह नमो पर मुरतब हो सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि शरह सूद में इजाफे की वजह से भी अमरीका के डिफॉल्ट होने के खतरात हैं और इसी वजह से आलमी मईशत अदम इस्तेहकाम का शिकार हो रही है। हम उन शदीद असरात से बचना चाहते हैं। दूसरी जानिब अमरीकी हुकूमत में 31.4 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज की हद को बढ़ाने के बारे में तफसीली बातचीत बुध के रोज शुरू हुई, जब रिपब्लिकन ने खराजात में कटौतियों पर इसरार किया और डेमोक्रेटिक सदर जो बाइडन और कांग्रेस के आला रिपब्लिकन क्यों की 3 माह में पहली बार इस मामले पर मुलाकात हुई। US ट्रेजरी सेक्रेटरी जेंट येलन ने खबरदार किया है कि अगर कांग्रेस कर्ज देने की हद को बढ़ाने में नाकाम रहती है तो 1 जून से पहले अमेरिका डिफॉल्ट हो सकता है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों फेडरल रिजर्व बैंक ने शरह सूद में 0.25% इजाफा कर दिया था, जिसके बाद अमेरिका में शरह सूद 16 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। अमेरिका में 1 साल से कुछ ज्यादा अरसे में शरह सूद में ये 10वीं मरतबा इजाफा किया गया है। इससे कबल अमरीकी वजीर खजाना ने खबरदार किया था कि अगर कर्ज की हद ना बढ़ाई गई तो 1 जून तक अमरीका डिफॉल्ट हो जाएगा। कांग्रेस कर्ज की हद बढ़ाए या हद को मुअत्तल कर दे, याद रहे कि इससे कबल अमरीका में सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक डिफॉल्ट हो चुके हैं। सऊदी अरब ने 7 साल बाद ईरान में अपना सफीर मुकर्रर कर दिया। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए चीन ने सालिसी का किरदार अदा किया था। चीन में इस हवाले से फरीकैन के दरमियान पहली मुलाकात 10 मार्च को, जबकि वज़ीर खारजा की मुलाकात 6 अप्रैल को हुई थी। ईरानी मीडिया के मुताबिक वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल अलहियान ने कहा है कि सऊदी अरब ने ईरान में अपना सफीर तैनात कर दिया, जबकि ईरान भी अपने नए सऊदी सफीर का नाम का ऐलान जल्द कर देगा। उधर ईरान के वजीर खजाना एहसान खानदोजी की क्यादत में ईरान का आला सतह का वफ जद्दा पहुँच गया, जो मुमकिन तौर पर सऊदी अरब में ईरानी सिफारत खाने की बहाली और नए सफीर की तैनाती के हवाले से भी तबादला ख्याल करेंगे। चीन की सालिसी में सिफारती ताल्लुकात की बहाली में इत्तेफाक के बाद ये किसी ईरानी अहदेदार का सऊदी अरब का पहला दौरा है। ईरानी वफद की सऊदी अरब में मसरूफियात में हुकूमती हुकाम से मुलाकात के साथ साथ
इस्लामी तरक्याती बैंक के इजलासों में शिरकत करना भी शामिल है। इसके अलावा दोनों ममालिक के वज़ाए खारजा के दरमियान 3 से ज़ायद बार टेलीफोनिक राबता भी हुआ था। सऊदी अरब ने 2016 में तहरान में अपने सिफारत खाने और मशहद में कौंसल खाने पर हुकूमत के हामी मुजाहरीन के हमले के बाद ईरान के साथ ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए थे। Precisely the fact that